लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी एक लिस्ट जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 16 लोगों का नाम दिया गया है। लिस्ट के हिसाब से समाजवादी पार्टी ने संभल से शफीकुर रहमान बर्क, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, मैनपुरी से डिम्पल यादव, एटा से देवेश शाक्य, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, खीरी से उत्कर्ष वर्मा, धौरहरा से आनंद भदौरिया, उन्नाव से अनु टंडन, लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा, फरूखाबाद से नवल किशोर शाक्य, अकबरपुर से राजा राम पाल, बांदा से शिवशंकर सिंह पटेल, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, बस्ती से रामप्रसाद चौधरी और गोरखपुर से काजल निषाद को मैदान में उतारने का फैसला किया है। बता दें कि पिछले कई महीनों से यूपी में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी। दावा तो यहां तक किया जा रहा था कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 11 सीटें और जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को 7 सीटें देने की पेशकश की थी और बात करीब करीब बन गई थी। लेकिन दावा तो यहां तक किया जा रहा था कि कांग्रेस 11 सीटों से खुश नहीं है, पर बीच में सपा की ओर से जारी इस लिस्ट से ये साफ हो गया है कि अखिलेश यादव अब इंतजार करने के मूड में नहीं है और जल्द से जल्द ग्राउंड लेवल पर तैयारी में जुटना चाहते हैं। अगर पिछले चुनावों की बात करें तो साल 2019 में कांग्रेस और सपा के बीच लोकसभा चुनाव में कोई औपचारिक गठबंधन नहीं था, लेकिन सपा ने अमेठी सीट से कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा था। साल 2019 में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल ने मिलकर चुनाव लड़ा था। उत्तर प्रदेश में सपा ने 37, बसपा ने 38 और आरएलडी ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। साल 2019 में सपा ने 37 में से 5 सीटें जीती थी, वहीं 31 उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे। साल 2019 में कांग्रेस ने 80 में से 67 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, इसमें से कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी, वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। अमेठी से राहुल गांधी भी अपनी सीट हार गए थे। बता दें कि पिछले दिनों सपा ने घोषणा की थी कि अजीत सिंह की आरएलडी से गठबंधन हो गया है और आरएलडी यूपी में 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।